हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6वां है। अभी तक हम टोटल नंबर सिस्टम के 5 लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले पूरे 5वें लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, उससे क्या होगा आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम जो कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब जानवरों से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेगा कि पहले मैं इसका एक डिटेल समझाऊंगा और उसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आप जैसे क्वेश्चन को देखोगे एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक अजीबो प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम एक वो अजीब प्रकार का क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। तो आप भी साथों साथ अगर उतारना चाहें तो बिल्कुल उतार सकते हैं, और यदि आपके पास कोई बुक है तो उतारने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से प्रैक्टिस कर लेना, पहले ये देख लो, है ना। प्रिया के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि प्राणियों के कुल 64 सिर और 152 पैर है, 152 पैर है, तो उसके पास मुर्गियां है, तो उसके पास मुर्गियां है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, पहले हम इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं और उसके बाद इसका शॉर्ट देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लो, प्रिया के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। तो हम इतना जानते हैं कि जो मुर्गियां हैं इसके 2 पैर होते हैं और बकरियां के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। यदि प्राणियों के कुल 64 सिर है, प्राणियों मीन्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, तो मुर्गियां और बकरियां, क्लियर है। तो प्राणियों के टोटल 64 सिर है, मतलब हो जाएंगे मुर्गियां और बकरियां के टोटल जो सिर है, हेड, वो मिलाकर कितने हो जाएंगे, 64, और 152 पैर है। 152 पैर किसके होंगे, बकरियां और मुर्गियां के मिलाकर, जिसमें हर एक बकरी के 4 पैर, हर एक मुर्गी के 2 पैर होंगे, तो टोटल 152 पैर काउंट किए गए हैं। और पूछा क्या है, तो उसके पास मुर्गियां कितनी हैं। अब यहां अगर हम इसे डिटेल से करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि माना मुर्गियों की संख्या x, ठीक है, पहले एक डिटेल देख लो फिर उसके बाद हम बता ही देंगे शॉर्ट, है ना। मुर्गियों की संख्या x है और बकरियों की संख्या कितनी है, y। अगर मान लो अपने पास एक मुर्गी होती, ठीक है, कितनी मुर्गी होती है, एक, तो देखो सॉरी, मुर्गियों की टोटल संख्या कितनी है, x, बकरियों की टोटल संख्या कितनी है, y। तो मुर्गियां और बकरियां दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब x प्लस y अगर जोड़ दूं, तो x क्या है हमारे पास मुर्गियां, y क्या है बकरियां, तो टोटल जितने होंगे ये जानवर उतने ही क्या होंगे, सिर, तो टोटल सिर कितने हो जाएंगे, तो 64। तो x प्लस y बराबर से कितना हो गया, 64, क्योंकि जितनी मुर्गियां होंगी उतने सिर, जितनी बकरियां होंगे उतने सिर, तो टोटल सिर बराबर से कितना, 64, ये समझ पा रहे हैं। आगे देखो, अब अगर हम मुर्गी की बात करें तो एक मुर्गी के कितने पैर, 2, 2 मुर्गी के कितने, 4, 3 मुर्गी के कितने, 6। इसका मतलब 3 मुर्गी है तो हम 2 का गुणा करके टोटल 6 पैर ला ले रहे हैं, 2 मुर्गी है तो 2 का गुणा करके टोटल 4 पैर ला ले रहे हैं, 5 मुर्गी होती तो टोटल पैर कितने होते, 10 होते, मतलब 5 में हम 2 पैर का क्या कर देते, गुणा। वैसे मुर्गियों की संख्या कितनी है हमारे पास, x है, और मुर्गियों की संख्या x है, यदि इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2x ये आ क्या गया, मुर्गियों के टोटल पैर, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर, तो टोटल x मुर्गी है तो टोटल पैर कितने हो गए, 2x, ये किसके पैर हो गए, मुर्गियों के टोटल पैर। अब प्लस अगर मैं बकरियों की बात करूं तो एक बकरी के कितने पैर, 4, 2 बकरी होती तो कितने पैर, 8,
तीन बकरी होती है तो टोटल पैर कितने होते हैं 12। इसका मतलब कि अगर मैं चार में दो बकरियों के पैरों का दो बकरी का गुणा कर दूं तो टोटल 8 पैर हो गए। अगर मैं चार का 5 में गुणा कर दूं, मतलब 4 पैर है एक बकरी के और 5 का गुणा कर दूं तो टोटल पैर कितने आ जाएंगे 20। तो मेरे पास टोटल बकरियां कितनी हैं y, और हर बकरी के कितने पैर है 4। तो टोटल बकरियों की संख्या में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो आ क्या जाएगा बकरियों के टोटल पैरों की संख्या, तो मैं यहां पर क्या लिख दूं 4y। तो ये 4y कुल बकरियों के पैरों की संख्या, 2x कुल मुर्गियों की संख्या के पैरों की संख्या, बराबर से कुल पैर कितने हैं हमारे पास, तो 152, तो बराबर से 152 आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। अब इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो मैं इसे 2 से काट दूं, 2 अगर कॉमन ले ले यहाँ से, तो बचेगा क्या x प्लस 2y बराबर से 152। क्लियर है इतना, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सत्ती 14 और 2 इछम 12। तो यहाँ एक्स प्लस 2y बराबर से कितना आ गया 76। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो देखो x प्लस 2y बराबर से 76 आ गया। अब यदि मैं इन दोनों स्टेप को सॉल्व करूं साथ में, ठीक है, इनको अगर विलोपन विधि से सॉल्व करूं, किसको x प्लस 2y बराबर से 76, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा वो देख लो, इसे मिटा दें, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा y और माइनस 2y, तो माइनस का क्या आ जाएगा y, और यहाँ माइनस का 6 में से 4 घटाओगे 2 और 7 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर से कितना आ गया 12, और y का मान आ गया है 12। मतलब पूछा क्या है, तो देखो y का मान आ गया 12, मतलब बकरियों की संख्या टोटल कितनी आ गई 12। अब हम इतना जानते हैं यहाँ से कि x प्लस y बराबर से हमें 64 दिया है, तो y का मान कितना है 12, 64 और इधर क्या है x, तो x बराबर से 64 माइनस 12 ऐसे ही कुछ होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा 5, तो x का मान आ गया कितना 52। मतलब टोटल हमसे पूछा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 52, और बकरियों की संख्या कितनी है तो 12। क्लियर हो पा रहा है? तो डिटेल कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉर्ट कैसे करना है, ये आंसर आप याद रखो। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि प्रिया के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, यदि प्राणियों की कुल संख्या कितनी है 64, तो कुल संख्या कितनी है 64, ये चीजें क्लियर हो पा रही है? सिर देखो 64 सिर और 52 क्या है, 152 क्या है पैर। करना क्या है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इस प्रकार के मीन्स कभी भी जानवर वाले क्वेश्चन आए, तो जो टोटल सिर होंगे उसका दुगुना कर देना, दुगुना करेंगे तो कितना जाएगा 128। समझ पा रहे हैं, मैं डायरेक्ट ट्रिक पे जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने, जब एक आंसर एक लाइन में आंसर दोगे तो जितने सिर होंगे उसमें डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो 128 आया है उसको माइनस कर देना पैरों में से, पैरों में से माइनस कर दोगे मतलब 152 में से, सिर की संख्या को दुगुना करना है, पैरों की संख्या में से क्या कर देना है माइनस, तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, कितना आया 24, इसमें जब 2 का भाग दोगे तो आएगा कितना 12, और ये जो आएगा वो हमेशा और हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। तो 4 पैर वाला क्या था बकरियां, तो बकरियों की संख्या कितनी थी 12, और यहाँ पर भी कितना आया 12। फाइनली किया क्या, एक बार और सुनो, टोटल जो सिर होते हैं ठीक है उनको डबल करना है, तो 64 सिर से 64 को डबल करा 128 आया, जो सिर को डबल करके 128 आया उसको माइनस करना है किसमें से, कुल पैरों की संख्या में से, कुल पैर कितने थे 152, तो 152 में से माइनस करा 128 तो आया कितना 24। प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 24 को 2 से भाग दोगे तो आया क्या 12, और जो 12 है वो हमेशा और हमेशा 4 पैर वालों की संख्या होगी। तो हमारे पास टोटल जानवर कितने थे 64 थे, 12 घटा दिए जो कि 4 पैर वाले हैं, तो बचे कितने 2 और 5, जो 52 बचे वो 2 पैर वाले हो जाएंगे, मतलब क्या बकरियों की संख्या हो जाएंगी। मतलब मात्र इतने कैलकुलेशन में आपको मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या दोनों मिल जाएगी। तो एक अगला क्वेश्चन और देख लेते, वो देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 81 और यहां जाएगा 234, तो बकरियां कितनी है
बकरियां कितनी हैं, कितनी। अब देखो ये एक अगला क्वेश्चन तैयार है अपने पास। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अब इसको ट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो आप बिल्कुल ट्राई करना। तो प्रिया के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि प्राणी टोटल कितने हैं हमारे पास, 81 है। टोटल प्राणी 81 है, मतलब 81 सिर भी होंगे। और पैर कितने हैं, 234। तो मैंने ये बोला कि जितने सिर होते हैं उसका डबल करते हैं, तो 81 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा, 162। 81 का डायरेक्ट क्या कर दिया, डबल आ गया 162। इसको माइनस करना है किसमें से, टोटल पैरों की संख्या में से, मतलब 234 में से। तो बचेगा कितना, 2। 13 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7। क्लियर इतना। अब ये जो बचा, हमने टोटल पैरों में से सिर के दोगुना घटाया, तो 72 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 36। तो ये 36 क्या है, चार पैर वालों की संख्या। और चार पैर वाले ही हमसे पूछे थे क्या, बकरियां। तो फाइनली यही होगा आंसर। समझ पा रहे हैं, ये डायरेक्ट आंसर आ चुका है। करना क्या है, इसको डबल किया, 162 आया जो सिर है उनको, पैर की संख्या में से माइनस कर देंगे तो जो 72 आया उसको 2 से भाग देना है, ठीक है। ये एक मिसलेनियस, मतलब मेंसुरेशन जो हम सॉल्व करते हैं, सॉरी मिक्सचर जो सॉल्व करते हैं उसमें हम एक बार इसको और पढ़ाएंगे, है ना। तो जो मेथड निकल के ये मिक्सचर की है, पर मैं यहाँ आपको शॉर्ट बता रहा हूँ फाइनल रिजल्ट उसका। 72 में 2 का भाग दिया, जो 36 आया ना, वो चार पैर वालों की संख्या, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। मतलब इतना ही कैलकुलेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक अगला जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्या है कि अगर उस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परंतु जो क्वेश्चन है आपको तभी वो आएगा जब आपकी लैंग्वेज में पकड़ो। लैंग्वेज में पकड़ मीन्स मैथ्स में जो लिखा होता है अगर आप उसको फील कर पाते हो, ठीक है, या समझ पाते हो, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक ठाक है, तो ही आप उसे कर पाओगे। अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं कि सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन अच्छा खासा है। एक विशेष संख्या के व्यक्ति, एक विशेष संख्या के व्यक्ति तथा समान संख्या के घोड़े, समान संख्या के घोड़े, समान संख्या के घोड़े से कहीं जा रहे हैं, से कहीं जा रहे हैं, जा रहे थे, सॉरी जा रहे थे। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल जा रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है। अब ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख रखा है। देखो ये क्वेश्चन को एक बार आप पूरा वापस से पढ़ लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
कि एक विशेष संख्या में व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात उसने बोल दी कि व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े, मतलब व्यक्ति और घोड़े क्या है, बराबर है। व्यक्ति और घोड़े क्या है, बराबर। अगर व्यक्ति x है तो घोड़े भी कितने होंगे, घोड़े भी हो जाएंगे x। ये चीजें क्लियर हो पाई, ठीक है, जा रहे थे। मतलब यहां तक जो चीजें लिखी हुई है उसमें एक ये सेंस निकलता है कि घोड़े और व्यक्ति क्या है, बराबर है। अब आगे देखते हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो चल कितने रहे हैं, आधे व्यक्ति, तो घोड़े कितने चल रहे हैं, x, व्यक्ति कितने चल रहे हैं चलने वाले, x by 2। ये चीजें समझ पा रहे, घोड़े तो पीठ पर नहीं बैठे ना, तो घोड़े तो पूरे पूरे चल रहे हैं, व्यक्ति कितने चल रहे हैं, तो x by 2, आधे चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे, इसका मतलब वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आधे व्यक्ति चल रहे होंगे, मतलब आधे बैठ गए, तो आधे व्यक्ति में x by 2, पर घोड़े पूरे पूरे चल रहे हैं, मतलब x घोड़े चल रहे हैं, क्लियर है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल जा रहे हैं, तो जो पैदल जा रहे हैं वो x by 2 है और जो घोड़े पैदल चल रहे हैं वो x है, ठीक है, टोटल आगे चल रहे हैं। अब देखो यदि जमीन पर पैरों की संख्या कितनी है, 70। अब ये देखो टोटल घोड़े कितने हैं, x, एक घोड़े के चार पैर, तो x घोड़े के कितने पैर, तो हम इसमें चार पैर का गुणा कर देंगे, तो 4x क्या आ गया, घोड़े के टोटल पैर, क्योंकि एक घोड़े के चार पैर, तो x घोड़े के कितने पैर, तो 4x पैर। वैसे एक व्यक्ति के दो पैर, तो कितने व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, x by 2, तो इसमें अगर मैं पैरों का गुणा कर दूं, ये व्यक्तियों की संख्या x by 2 जो पैदल चल रहे हैं, उसमें अगर मैं दो का गुणा कर दूं, तो ये टोटल पैरों की संख्या देगी जो व्यक्तियों की है, और ये टोटल घोड़े के पैरों की संख्या और टोटल पैरों की संख्या बराबर से कितना आ जाएगा, 70, क्लियर है। 2 से 2 कटा 4x और x कितना आ गया, 5x बराबर से 70, तो x का मान कितना आ गया, 14। x का मान 14, मतलब घोड़े कितने हैं, 14, व्यक्ति कितने हैं, 14। पूछा क्या है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, तो 14, ये है क्या फाइनली आंसर। मतलब देखने में क्वेश्चन थोड़ा डेंजर था, बड़ा था, परंतु उसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी कल, ठीक है। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।